टाइम से छटाव करेगा और छटने के बाद जब आपका पशु मैले से छट जाता है तो अपनी दूध छोड़ना। नमस्कार पशुपालक साथियों, साथियों आपके अपने YouTube चैनल रावत मुर्रा डेयरी फार्म पर आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। साथियों आज फिर आपके सामने हाजिर हुए हैं एक और नई वीडियो लेकर के। आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है जो ताजे ब्याई पशु हैं उनका दूध कैसे बढ़ाएं। तो आज का जो वीडियो है वो बहुत दिलचस्प और बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है। तो मैं सभी भाइयों से रिक्वेस्ट करूँगा, जितने भी भाई हमसे जुड़े हैं वो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को साथ के साथ शेयर करें, जिससे कि किसी और भाई को भी ये नुस्खे का फ़ायदा मिल सके। तो चलिए साथियों आज की वीडियो हम शुरू करते हैं और बताते हैं इस नुस्खे के बारे में। इससे आपका पशु टाइम से छटाव करेगा और छटने के बाद जब आपका पशु मैले से छट जाता है तो अपनी दूध प्रोडक्शन पे बिल्कुल टॉप उस पे आ जाता है। तो मैले से छटने के लिए ये बहुत बेहतरीन फार्मूला है और बिल्कुल देसी फार्मूला है। तो चलिए साथियों आपको रूबरू कराते हैं और दिखाते हैं। साथियों ये जो स्क्रीन पे आप देख पा रहे हो, जैसे कि हमारे यहाँ हारे में, हमारे यहाँ हारा बोलते हैं, आपके यहाँ पता नहीं क्या बोलते हैं, इसमें ये आग जला लेनी है। आग जला करके इस पे ये पतीली रख देनी है। पतीली रखने के बाद इसमें हमें ये पानी करना है। तो ये आप 3 से 4 लीटर पानी इसमें ले सकते हो। ये हमने 2 डिब्बे इसमें पानी कर दिया, बाकी बाद में करेंगे। अब इसमें हम डालेंगे ये कॉटन सीड। ये कॉटन सीड है बिनोला जिसे बोलते हैं, तो बिनोला और इसमें साथ में है मेथी। तो इसकी मात्रा भी मैं आपको बता दूं, ये 0.5 किलो बिनोले हैं और इसमें 200 से 250 ग्राम मेथी है। साथियों इसमें और सामग्री भी डाली जाएगी और इसमें पूरी आपको विस्तार से बताई जाएगी कि यह कब देना है, कितना देना है। तो पूरी वीडियो ज़रूर देखें जिससे कि आपको इसका फ़ायदा मिल सके। तो ये हमने ये कॉटन सीड इसमें मिला दिए। मिलाने के बाद इसमें मेथी और कॉटन सीड दोनों इसमें फ़िलहाल हैं। अब इसमें पानी हमने और डाल दिया, ये डाल दिया। तो ये हमने 4 से 5 लीटर पानी डाला है। आप अपनी कैपेसिटी के अनुसार इसमें पानी डाल सकते हैं और इसको अच्छी तरह से मिला लें। मिलाने के बाद इसको ढक के रख दें। ढक के रखने के बाद ये कुछ टाइम बाद आप देखोगे तो इस प्रकार ये पक के तैयार हो जाएगा। तो देखिए हम इसको चमचे की मदद से देखते हुए, तो ये देखो करीबन करीबन पक चुका है। इसको पकाने के बाद हमें इसमें और भी सामग्री डालनी है। तो ये आपके देखिए, देखिए देखने में भी कितना सुंदर लग रहा है। बिल्कुल ये पक कर के मेथी है जो वो बिल्कुल तैयार हो गई है। और अब इसमें हम डालेंगे गुड़। साथियों गुड़ हम पहले डालते तो इसमें जो कॉटन सीड है वो पकता नहीं है अच्छी तरह से, तो इसमें बाद में ही गुड़ डालना चाहिए। वो पकने के बाद अब इसमें गुड़ डाल दो और गुड़ डाल करके इसे ढक देना है। साथियों आपको ये अपने पशु को 5 से 6 दिन की, जब पशु आपका हो जाए उसके बाद ये चालू करना है। ये आपको सुबह पका लेना है और शाम को जब आपका पशु दाना चारा खा ले और उसके बाद दूध वगैरह निकाल लो, दूध निकालने के तुरंत बाद ये आपको देना है। सुबह से पका लेना है और शाम के टाइम इसे देना है। आपको ये 8 से 10 दिन देना है। जब आपका पशु मैला छटाव करने लगेगा और इतना अच्छा मैला छटाव करेगा कि आप यकीन मानिए बहुत अच्छा इससे
मेला छटाव करता है और अपने फुल पीक पे चला जाता है। तो साथियों उम्मीद करूँगा वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो साथियों आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ फिर से चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी के साथ मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। नमस्कार।